काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं और इनमें से कुछ समझ आएगी तो हम लोग लेंगे और इसका प्राइस है $5। अब देखते हैं उसके हिसाब से। सारा चीज चिक चिक कर दिया आपने। पर सांभर इडली एकदम रेडी हो गया है और गर्मा गर्म सांभर इडली। स्वदी की भी टी शर्ट्स है जो कि हम लोगों को मिली $10 में 3, और अपनी अपनी मिली थी नॉर्मल जो 2 मैंने टी शर्ट ली हैं। बेटू क्या चाहिए बोलो? यू वॉन्ट एप्पल? बहुत आगे देख लो तो समझ आ जाती है कि कैसी है ये। थोड़ा सा ही देख के समझ आ गई कि मुझे पसंद नहीं आने वाली है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे आज ऐसे व्लॉग में बात कर रही हूँ क्योंकि गला एकदम ठीक है। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? ओके। ये अभी सो के उठी है, आराम से फ्रेशन अप हो गई, ब्रश व्रश कर लिया है। अब इसको भूख लग रही है, मैं इसको खाना खिलाने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले बोलेगी मेरा डियाना रोमा लगा दो। तो मेरा जो अभी हालत है गले की वो एकदम थोड़ा थोड़ा ठीक हो गई है, मैं बोल पा रही हूँ। पहले गला एकदम बंद था, 2 दिन तक तो मैं एकदम लिटरली बता रही हूँ म्यूट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। यहाँ के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप हम लोगों की अब हो चुकी है क्योंकि एक बार बीमार पड़ चुके हैं। सच बता रही हूँ, ये होना ज़रूरी था क्योंकि इंडिया का वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है। यहाँ की पहली हम लोगों की समर है, विंटर्स में तो इतना नहीं निकले ही नहीं थे कहीं पर, और विंटर में इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जितना भी है समर में ही सारा। और फिर ये पोल्यूशन वगैरह भी हो गया था, तो बहुत लोग इसके स्कूल में भी बता रही थी टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा बच्चे थोड़े बीमार हैं, सर्दी खांसी ऐसी हुआ है। तो इसीलिए उस टाइम जो सैटरडे हम लोग गए थे बाहर, उसके बाद मैंने व्लॉग डाला था। फिर 1-2 मैंने व्लॉग डाले थे बताने के लिए कि मेरा गला खराब है, लेकिन अभी एकदम ठीक हो चुका है। हल्का फुल्का है, थोड़ी बहुत आवाज़ में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन वो 1-2 दिन में चला जाएगा। आज है सैटरडे, सैटरडे स्पेशल कुछ बनेगा। हाँ जी बेटा, मैं आपको आज दिखा देती हूँ कि स्वदी एक्चुअली 2-3 दिन तो मैंने स्वदी के स्कूल की भी छुट्टी कराए रखी थी, तो उसके बाद मैंने इसको स्कूल भेजा और उसको स्वदी को स्कूल से एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट मिला है जो कि उसने फादर्स डे के लिए अपने पापा को डेडिकेट किया है। मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है वो गिफ्ट जो कि इसके स्कूल से मिला है। ये परसों क्लिक किया था, परसों मैंने इसको इस तरीके से भेजा था तैयार करके। कल मैंने इसकी 2 चोटी बनाई थी, स्कूल 2 दिन गई है ये। और ये देखो कितना सुंदर, और पीछे दवाइयों का पिटारा रखा हुआ है। ये सब इतनी, देखो ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोगों ने ली थी सर्दी में। ये देखो, डैडी होल्ड माई हैंड टाइट, नेवर लेट मी इट गो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई लव यू सो। डैडी के लिए फादर्स डे स्पेशल। कितना सुंदर फ्रेम लग रहा है, ये सभी बच्चों के लिए टीचर्स बना रही थी और फोटोज़ क्लिक करके ये इसको मिला है। अच्छा किया जो मैंने 2 दिन इसको स्कूल भेज दिया। अगर मैं पहले सोच रही थी कि पूरा हफ्ता इसका ब्रेक करा देती हूँ, थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद मंडे से भेजूंगी, लेकिन जब इसकी तबीयत ठीक लगी 3 दिन का गैप कराने के बाद में मैंने इसको स्कूल भेजा। और देखो कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई है वो। मदर्स डे के टाइम पे भी इसने बहुत सुंदर सा एक फ्रेम दिया था, उस पर काफ़ी बहुत अच्छा कोटेशन था, मदर्स डे मैसेज था और फोटो लगा हुआ था। और फादर्स डे पे भी ये फ्रेम बना के दिया है। तो मैं अब आपको किचन में लेके चलती हूँ और बनाते हैं हम लोग सैटरडे की नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आज मैंने रात में ये हरी वाली मूंग गला के रखी हुई थी, इसका मैं मूंग की दाल का चीला बनाऊंगी। हरी वाली का मैं पहली बार बनाऊंगी, और ये वाली दाल मैंने गला रखी थी, सोचा था चलो सैटरडे है मूंग की दाल का चीला खाएंगे। और स्पेशली आज बन रहा है सांभर इडली। बहुत दिन हो गया था सांभर इडली खाए हुए, तो वैसे भी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा जब मेरी हो जाती है, मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता है कि उस टाइम में सब्जियों में डाल के यूज़ कर लूँ, अच्छे से सांभर बना लेती हूँ। तो मैंने सांभर चढ़ा दिया है और अभी मैं इसको मिक्सी करके चीला उतारूँगी। ये मेरा पहला वाला चीला डल चुका है और अभी ये सीख के बताऊंगी मैं आपको कैसा लग रहा है। ये देखो हरी वाली दाल का चीला एकदम तैयार है, गर्मा गर्म। तो मैं आ गई नहा के एकदम किचन में क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज इडली सांभर। उसी की तैयारी सारी हो चुकी है और मैंने इडली पीछे देखो एक पेस्ट बना के रख दिया था। सूजी की बनाती हूँ क्योंकि वो झटपट बन जाती है और मुझे अच्छी लगती है। चावल में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बहुत कम, बहुत ही रेयर मैं बनाती हूँ। और सब घर में नहा के एकदम रेडी हो गए हैं, पूजा वूजा भी सब हो गई, नाश्ता एकदम जम के खाया था, बहुत टेस्टी लगा था। सच बता रही, बहुत टाइम के बाद मूंग दाल का चीला खाया था। और आज शाम का कुछ ऐसा प्लान है कि कहीं निकल सकते हैं अगर मौसम ठीक रहा तो। और थोड़ा सा आज सैटरडे में इनको थोड़ा काम है ऑफिस का, तो वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ। अगर प्लान बना और रात का कुछ ऐसा सीन रहा तो हम ज़रूर से कहीं घूमने के लिए जाएंगे। व्हाट हैपेंड?
व्हाट व्हाट बेटू क्या चाहिए बोलो? यू वॉन्ट एप्पल? ये देखो यहाँ पे रखे एप्पल, इनको पता है अभी आधा संतरा यहाँ खाया नहीं है। हाँ और क्या? ओके टेल मी वन थिंग, यू वॉन्ट एप्पल और ऑरेंज? ऑरेंज। ओके टेक दिस। वाओ आधा पहले खाया था आधा, इसको ऐसे ले जाएगी। बाय बाय स्वाति, गिव मी बॉल। यस गिव मी बॉल, येलो बॉल लेके आओ, जाओ अंदर से। कैसे खा रहे हैं? खा रहे हैं, देखो देखो सारा टपका टपका, आधा तो मुंह के अंदर जा रहा है। स्वाति रुको, वेट वेट, दिखाओ इधर मम्मा को दिखाओ। मम्मा खिलाए, आ जाओ आ जाओ मम्मा खिलाए। देखो देखो इसको, देखो इसको इतना ज़्यादा, इसको कटोरी लाने की, लेके आ जाओ बेटा कटोरी में खा लो, लेकिन इसको कटोरी नहीं लानी है। सारी जितनी भी ऑरेंज की फांक थी सब चूस रही, आधा हाथ में जा रहा है आधा कुछ। यही सारा नॉटीनेस है जो बच्चे लोग हमेशा ही करते हैं। और कपड़े सब एकदम पूरे के पूरे ख़राब कर लेना, हाथ खराब कर लेना बार बार थोड़ी देर में, क्योंकि इसे पता है कि थोड़ी देर बाद फिर गंदे हो जाएंगे तो हैंड वॉश करा देगी मम्मा। देखो हाथ धोने के लिए, चलो हाथ धो लो, इसको ऐसे बैठा के सिंक पे हाथ धुला दो, हाथ धो, सारा चिप 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 कर दिया आपने। दिखाओ दिखाओ सारा चिप चिप चिप, देखो। हाय गाइस, चलो हो गया सारा। अब इसका ये सारी गर्म बनियान ना चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो मौसम एकदम नॉर्मल ही है, धूप भी निकली हुई है आज, लेकिन इसको मैं फिर भी एक बना देती हूँ। ईट व्हाट यू वांट टू ईट, मुंह साफ करो पहले, सारा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। इधर दिखाओ, लेट्स गो। यहाँ पे सांभर उबल रहा है, अच्छे से खदका दिया है। यहाँ पे इडली बन रही है, ये यहाँ पर सांभर इडली एकदम रेडी हो गया है, और गर्मा गर्म सांभर इडली। ये थोड़ा मोटे दाने वाली इडली थी, मतलब सूजी थी, तो मैंने वही उसी को यूज़ किया है, तो थोड़ा अलग अलग सा एकदम दरदरी दरदरी वाली थी। अब इसको गर्मा गर्म खाएंगे। जब भी मैं पहले से सोच लेती हूँ कि आज मुझे लंच में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, तो उस टाइम मेरा काम इतना जल्दी निपट जाता है। 1 बजे तक सारा खाना रेडी हो गया था, और ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं पड़ा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और बहुत टाइम से मन हो रहा था सांभर इडली खाने का, तो वही बना लिया था, एकदम सॉर्टेड था। देखो मैं अभी ये देख रही थी जो कि मैंने हटा दी है अभी एकदम स्टार्टिंग से देख लो, या फिर थोड़ा बहुत आगे देख लो तो समझ आ जाती है कि कैसी है। ये थोड़ा सा ही देख के समझ आ गई कि मुझे पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा अच्छे से कलर्स नहीं दिखते हैं, कोई भी पिक्चर हो, और कोई भी ऐसे जीव जंतु वाली पिक्चर होती है ना जिसमें अलग अलग तरीके के मुंह और अजीब से जानवर दिखाए जाते हैं, और एकदम चमकादड़ दिखाई है उसका, वो रथ बना हुआ रावण का, रावण एकदम पूरा ना नॉर्मल बॉयकट बालों में है, बिल्कुल उसका लुक नहीं समझ आ रहा मुझे। और वो जो कुछ कुछ डायलॉग वगैरह भी ऐसे ही है नॉर्मल जैसे अपन लोग बात करते हैं, तो थोड़ी सी देखी मैंने उसका हटा दी, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा भाई क्या ही देखो, एक तो कलर्स नहीं है, एक तो पूरी पूरी ब्लैक ब्लैक, उसका पूरा महल भी ब्लैक, आसपास के जितने भी उसके राक्षस लोग हैं ये लोग वो लोग, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने अभी बंद कर दिया, अभी मैं स्वाति को सुनाने के लिए जा रही हूँ, सुला देती हूँ फटाफट, 2 बज गया है। मयंक अभी गए हुए थे थोड़ा सा सामान लाने के लिए, जैसे बताया सैटरडे को हम लोगों का जनरली सामान वामान जो भी राशन का ख़त्म होता है वही सब आता है, तो वो लेने के लिए गए हुए हैं। और रास्ते में यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताई इन्होंने, जैसे हम लोगों के इंडिया में नहीं होता है कि कोई भी गाड़ी वगैरह का डिग्गी वगैरह खोल के अपना कपड़े वगैरह सेल करता है, या फिर कुछ भी नॉर्मल जो बाजार बाजार में देखा होगा, या ठेले वेले पे लगा लेते हैं, नॉर्मल मार्केट्स होती हैं उनमें। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे एक मार्केट है, वहाँ पे 2 गाड़ी या 1 गाड़ी कोई है बता रहे थे, नीचे गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, तो वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह दे रहे हैं $4 से $5 के बीच में। तो ये बोल रहे थे फ़ोन करके कि एक बार देख लेंगे, घर डेली यूज़ के लिए कुछ समझ आता है तो ले आएंगे, तो एक बार देख के आऊँगी और देखूँगी कैसा वाला फील है। यहाँ मैंने जनरली मॉल में देखा है या फिर कोई अच्छे अच्छे स्टोर्स में देखा, ऐसे नहीं लगा के देखा कि कार में कोई अपना सामान सेल कर रहा है या कुछ इस तरीके से। तो मैं ज़रूर से नीचे जाएंगे, थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे। सो के स्वाति उठ गई है और राशन लेके आना था, तो इसलिए मैं अपना सारा काम निपटा के खाना वाना खा के 4 बजे 4:30 बजे निकले थे। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं,
और शाम का टाइम है, मास्क वास्क लगा रखा है क्योंकि अभी अभी हम लोगों को थोड़ा सा सर्दी हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। और शाम का टाइम है, थोड़ा सा देखना था मुझे टी शर्ट्स वगैरह यहाँ सामने दिख रही है नॉर्मल जैसे हम लोग के इंडिया में होती हैं उसी तरीके से, तो कुछ पसंद आएगा तो अभी हम लोग ले लेंगे। मयंक ने भी मास्क लगा रखा है और स्वदी आज ऐसे ही बिना स्ट्रॉलर के ऐसे ही वॉक करते हुए आई है, देखते हैं क्या कुछ अच्छा पसंद आता है। कलरफुल काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं और इनमें से कुछ समझ आएगी तो हम लोग लेंगे। और इसका प्राइस है $5, अब देखते हैं उसके हिसाब से। बच्चों का भी मिलेगा तो मैं स्वदी के लिए भी कुछ ले लूँगी। यहाँ पे भी है देखो ये सब टी शर्ट्स हैं, पीछे बॉक्सेस वगैरह भी रखे हुए हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, अब ये बोल रहे हैं कि डेली डेली आएंगे। हम लोगों ने भी ले ली है डेली यूज टी शर्ट्स और स्वदी की भी टी शर्ट्स है जो कि हम लोगों को मिली $10 में 3, और अपनी अपनी मिली थी नॉर्मल। जो दो मैंने टी शर्ट ली हैं वो है $5-5 की। मयंक ने अपना लोअर लिया है, टी शर्ट ली है, तो अच्छा सा मतलब 6-7 आइटम्स हो गए हम लोगों का। अब थोड़ा सा देख रही हूँ, थोड़ा सा मार्केट चली जाती हूँ क्योंकि हम मेरे को सूजी और साबुदाना भी लेना था। अभी मैंने ये ले लिया है, मुझे लेना था साबुदाना छोटा वाला मिला है, और वो भी लेना था सूजी तो वो भी मिल गई। लेकिन ये दरदरे दाने वाली देखो ये मिली है, एकदम फाइन वाली जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी रहती है ना, वो नहीं मिली है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान मिलता है, देखती हूँ कहाँ मिलेगी। ऐसा रहा हम लोगों का सैटरडे, और कल हम लोग जाएंगे बाहर, फादर्स डे है। और वैसे भी इंडिया में आज फादर्स डे लग चुका है, तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।